हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम लोगों की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, और सबसे पहला काम हम लोग करने जा रहे हैं मंदिर के दर्शन। ये ऑटो हमें अपने होटल के बाहर से ही मिल गया था, हमने वहीं से ले लिया और हम लोग अभी निकले हैं जगन्नाथ मंदिर के लिए। सबसे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद अपना थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे। गाइज, हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और सामने वाला रास्ता जो है वो है बंद, क्योंकि मंदिर में चल रहा है कंस्ट्रक्शन। आप देख सकते हो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा लंबा वाला रास्ता लेके जाना पड़ रहा है। बेसिकली थोड़ा घूम कर जाना पड़ेगा हमें। तो ये देखो, अब हम दोनों जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, और मैं तो आज बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। इससे अच्छा क्या होगा कि आप अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पे जगन्नाथ धाम के दर्शन करो, भगवान के ब्लेसिंग्स लो। ये देखो गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ है। लास्ट टाइम भी बहुत भीड़ थी, बट मंदिर में तो भीड़ मिलेगी। तो अब हम चलते हैं और दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, हमारे दर्शन हो चुके हैं और मैं आपको क्या ही बताऊं यार, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। इतने अच्छे दर्शन, लास्ट टाइम से भी बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। पंडित जी के एकदम पास जाके उन लोगों ने हमारा हाथ पकड़ा और अच्छे से पूजा कराई, मंत्र पढ़ा, और मतलब इतने सामने से और आगे से दर्शन हुए ना कि बस आना सफल हो गया। बहुत, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे से दर्शन हुआ, मैंने सोचा भी नहीं था। हमारी पहली चीज़ तो हो गई दर्शन करना, और अब हम लोग बस होटल वापस जा रहे हैं, लंच वंच करेंगे क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ये देखो व्यू कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग मंदिर के बाद सीधे होटल गए वापस, हमने वहाँ पे लंच किया और 2 घंटे वहाँ पे रेस्ट करने के बाद अब हम निकले हैं थोड़ी शॉपिंग करने के लिए और थोड़ा सा घूमने के लिए। देखो बीच कितना सुंदर लग रहा है, दिन में तो अच्छा दिख भी रहा है, रात में एक्चुअली दिखता नहीं है ना, इसलिए अब हम लोग बस निकल रहे हैं। हमें बेसिकली जाना है कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लेने के लिए। केड़ी हाय बोल दो। तो गाइज, अब हम लोग निकल रहे हैं। बेसिकली हमारे साथ हुआ क्या कि हम लोग जब घर से सुबह निकले तो केडी के जो राइडिंग शूज़ है वो टूट गए थे, तो इस वजह से हमने पूरा राइड तो वैसे समहाउ निकाल लिया, बट अब हमें अर्जेंटली जो है केडी के लिए शूज़ लेने के लिए जाना है, इसीलिए हम लोग मार्केट निकले सो दैट उनके शूज़ भी ले लें और बाकी कुछ चीज़ें जो हमें और चाहिए वो भी ले लें और थोड़ा शाम को घूम भी लें। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है बीच। वैसे हमें यहाँ का इतना पता नहीं है, बट ठीक है, हम बाइक से आए हैं तो थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छे से शॉप अप ढूंढ सकते हैं। गाइस, अब हम लोग निकले हैं अपना बीच पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। आज हमारी एनिवर्सरी है तो थोड़ा अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। ये देखो कितने अच्छे अच्छे होटल्स हैं, और इस साइड आपको पूरा बीच मिलेगा, अभी दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया है, बट कोई नहीं, हम थोड़ा और आगे जाएंगे जहाँ पे मार्केट एरिया भी है तो थोड़ा वो भी एक्सप्लोर करेंगे।
इतना अच्छा लग रहा है ना यार, इतना अच्छा लग रहा, मजा ही आ गया भाई। ये देखो तीनों कैसे हैं, ये तीनों, ये बुद्धा टाइप वाला जो है वो जो आगे वाले टेबल पर रखने के लिए नीचे में, हाँ नीचे में इसी टाइप का तो रखना है, छोटा कुछ ऐसा। देखो ये एक साथ जो मैं गैर बोल वो जो वहाँ पे भी रखा है ना, फिर क्या घर दूर है वरना ले लेती। क्या चीज? हाँ वही है जैसे वहाँ पे भी रखा हुआ है ऊपर, देखो पेयर कलर कलर में रखते हैं। वही 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 तो बात है सर जी। ये असली तो नहीं होता होगा शाखा बोला, वो तो बंगाल से लेने में ही वो है। यहाँ पे है पेन स्टैंड बट बड़े वाले नहीं है, टूट जाएगा ना। ఏ కుచ్చాలు బాగు వెళ్ళున్నాయి పక్కన పక్కన వెళ్ళాలి